हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 अगस्त को अपना जो CAPF का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स हैं जो कि मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। ना लास्ट 5 ईयर्स के मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स कवर करवाऊँगा और उसमें क्या रहेगा, अपना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का रहेगा, ठीक है। तो पहला पेपर मैं लेके आया हूँ 2020 का CAPF में, जिसमें अपना पेपर 1 है, जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, मतलब अपन प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सारी चीज़ों को बताऊंगा मैं आपको, कैसे क्या क्या है, किस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, सीखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा खुद से, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो 2 ईयर्स है गो द एज ऑफ ए वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ बी। 2 साल पहले जो ए की एज थी वो 3 टाइम्स थी एज बी की एज से, ठीक है। इफ़ बी इज़ करेंटली 9 ईयर्स, मतलब बी की जो अभी करेंटली एज है ना, वो है 9 साल का, ठीक है। तो देन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एज ऑफ ए विल बी डबल ऑफ द एज ऑफ बी। तो यहाँ यानी कितने सालों बाद ए की एज बी की एज से डबल होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो मैंने आपको यहाँ पे देखो सोल्यूशन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना सॉरी अभी क्या हमारे पास गाइज की हमारे वो स्टाइलिश पेन अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है उसमें, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। बाकी नेक्स्ट टाइम अपन जो वीडियो लेके आएंगे इन फ्यूचर, तो फिर मैं आपको प्रॉपर ऑन वीडियो सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया प्रेजेंट एज क्या है बी की, 9 साल, ठीक है। जैसा कि यहाँ बताया गया है प्रेजेंट एज 9 साल है, ठीक है। तो फिर एज ऑफ बी, मतलब 2 साल पहले जो बी की एज, जैसे प्रेजेंट एज बी की 9 साल है, तो 2 साल पहले बी की एज क्या हुई, 7 साल, ठीक है। सेम एज ऑफ ए बिफोर 2 ईयर, यानी कि जो बी की एज है उसके उससे 2 साल पहले, 2 साल पहले बी की ए की एज क्या होगी, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ए वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ बी, ठीक है। 2 साल पहले, 2 ईयर्स है गो द एज ऑफ ए वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ बी, यानी कि 2 साल पहले जो ए, 2 साल पहले ए की एज बी की एज से 3 टाइम्स थी, यानी कि 7 × 3 इज इक्वल टू 21 ईयर। तो ए की एज बी की, 2 साल पहले बी की एज से 3 टाइम्स थी, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी हो गई, 23 ईयर, ठीक है, ठीक है। फिर आता है लेट आफ्टर एक्स, मतलब फिर अपन ने क्या किया, लेट करी ए की एज एक्स, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है देन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एज ऑफ ए विल बी डबल ऑफ द एज ऑफ बी, यानी कि बी की एज से डबल होगी ए की कितने सालों बाद। तो यहाँ पर लेट आफ्टर एक्स ईयर द एज ऑफ ए विल बी डबल्ड ऑफ द एज ऑफ बी, देन इज इक्वल टू 23x, यानी कि ए की एज में प्लस एक्स करा, फिर डबल बी की एज से 229 + x, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 5 ईयर, यानी कि 5 साल, 5 साल बाद a की एज b की एज से डबल होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन अपना कौन सा आ गया, ये d, ठीक है। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन 64 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्रिकेट, 53 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड 20 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। यानी कि 100 बच्चे हैं जिसमें कि 64 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 53 बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि दोनों चीज़ें खेलना पसंद नहीं करते हैं, सॉरी पसंद करते हैं, 20 बच्चे क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ, देखो टोटल चिल्ड्रन अपन ने यहाँ पर कितने लिखे, 100, ठीक है। फिर ऐसे बच्चे कितने हैं जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 64। फिर जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं उनको किया 53। तो जो दोनों को खेलना पसंद करते हैं वो है 20, और जो दोनों को खेलना, दोनों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम को खेलना पसंद नहीं करते हैं, तो अपन ने क्या किया, 100 में से 64 + 53 - 20, यानी कि 64 और 53 जोड़ लिए, उसके बाद उसमें -20 कर दिए, क्योंकि जो अपने को क्या निकालना है, जो बच्चे दोनों गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो टोटल अपने यहाँ पास कितना निकल गया है, 3। तो अपना आंसर कितना आ गया, ए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये रीजनिंग का, इसमें देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मिसिंग नंबर, व्हाट इज़ द मिसिंग ऑफ नंबर। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये जो है ना, ये एक सेकेंड गाइज, ये अपना पॉइंट निकालना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर लाने के लिए आप ये देखो, यहाँ पर हर एक बॉक्स के सामने वाला देखो ट्राई करते हैं, यहाँ पर देखो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, अगर यहाँ पर 2 7 ऐड करते हैं, 2 7 6 के सामने, ठीक है, एक सेकेंड गाइस,
देखो 2 7, ये देखो 2 7 और इसी के सामने वाला 5 1, यानी कि 2 7 कितना हुआ, 7 2 6। तो यहाँ पर अपन इन्होंने देखो, यहाँ पर ये देखो इन्होंने यहाँ पर 6 लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पर मिसिंग है। सेम आप और भी बॉक्स ट्राई करके देखो, देखो यहाँ पर 2 और 1 3, ठीक है, इसके सामने लिखा हुआ, और 3 2 5, ये देखो इसके सामने लिखा हुआ है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर आप ये कोई भी बॉक्स जोड़ के देखो, 3 और 1, इसके सामने जस्ट अपोजिट साइड देखो 4 लिखा है, और 6 और 2 जस्ट उसके अपोजिट साइड 8 लिखा हुआ। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर देखो 2 और 7 है, यहाँ पर देखो 6 लिखा हुआ है, तो यानी 5 और 1 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो 5 और 1 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो फिर आप 5 और 1 6 लिखा है, उन्होंने यहाँ पर अपोजिट साइड मेंशन किया, तो 7 और 2 कितने हो गए, 8। तो यहाँ पर 8 ऑप्शन आया, यहाँ पर आएगा, एक सेकेंड, 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन आएगा ना वो 9 होगा। यहाँ पर देखो ये मैंने लिखा हुआ भी है, यहाँ पर आप इसका आंसर सॉल्यूशन देख लो। ये देखो 1 और 2 यहाँ पर जोड़ा है तो 3 हुआ, 3 2, 3 और 2 जोड़े तो 5, 3 और 1 जोड़ा तो 4। यहाँ पर सेम उसी तरह से अपन ने 2 7 और 2 जोड़े, 9 हुआ, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन आता है, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूजडे, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे का मतलब है यानी कि कल जो दिन था उसका एक दिन पहले, मान लो आज है, आज मंडे है, तो डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होगा कि कल का दिन, यानी कि आज मंडे है तो कल संडे, और उसका डे बिफोर यस्टरडे यानी सैटरडे, तो डे बिफोर यस्टरडे का मतलब सैटरडे होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूजडे, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे यानी कि ट्यूजडे, मान लो ट्यूजडे से अपन ने मान लो गैस किया ट्यूजडे आज है, तो डे बिफोर यस्टरडे का मतलब क्या होगा कि कल का आज तो है ही है ट्यूजडे, यानी कल क्या है, वेडनेसडे, ठीक है, और उसके अगले दिन क्या होगा, थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे है उसका डे बिफोर यस्टरडे ट्यूजडे है, तो वेन विल सैटरडे बी, ठीक है। तो थर्सडे है इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूजडे, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूजडे देन टूडे इज थर्सडे, तो सैटरडे कब होगा, डे आफ्टर टुमारो, थर्सडे के डे आफ्टर, यानी थर्सडे फ्राइडे और फिर सैटरडे, तो डे आफ्टर टुमारो यहाँ पर ये सही आंसर है, ठीक है। तो ये था अपना आंसर। अब नेक्स्ट आता है, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ एंड सो ऑन, व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड, ठीक है। तो अब साउथ ईस्ट, यहाँ पर देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, साउथ ईस्ट को इन्होंने कहा ईस्ट, यानी कि देखो साउथ ईस्ट, ठीक है, इसको इन्होंने क्या कहा है, साउथ ईस्ट को इन्होंने कहा है ईस्ट, एक सेकेंड, साउथ ईस्ट को इन्होंने ईस्ट कहा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा, नॉर्थ वेस्ट को इन्होंने वेस्ट कहा, नॉर्थ वेस्ट को इन्होंने क्या कहा, ये है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को इन्होंने कहा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को इन्होंने वेस्ट कहा, ठीक है। तो ये इधर चला, ठीक है, उसके बाद इनका क्या कहना है कि साउथ वेस्ट साउथ है, साउथ वेस्ट साउथ का है, ये रहा साउथ वेस्ट, और इसको क्या कहा है साउथ, ठीक है, ये इधर चला है। अब इनका क्वेश्चन क्या है, इनका क्वेश्चन है कि नॉर्थ को क्या कहेंगे, नॉर्थ को क्या कहेंगे, देखो अपना एंगल कैसे चला, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट, एक सेकेंड, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट, साउथ वेस्ट को साउथ, ठीक है, साउथ ईस्ट को ईस्ट, तो नॉर्थ को क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये रहा नॉर्थ, तो इसका नॉर्थ वेस्ट, यानी उन्होंने एक साइकिल रोटेट करी है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ नॉर्थ विल बी कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, तो अपना आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ए है जो कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 एंड 12 एंड लीव्स रिमाइंडर 8, ठीक है। तो जो एक ऐसा पॉजिटिव, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर इंटीजर जो कि 9 एंड 12 से डिवाइड होता है और 8 नंबर जो है ना रिमाइंडर आता है,
ठीक है। फिर दूसरा आता है बी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच वेन डिवाइडेड बाई 9 एंड 12। एक और बी, बी एक ऐसा एक और छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 9 एंड 12 से डिवाइड होता है, बट 5 रिमाइंडर बचता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ए एंड बी की वैल्यू क्या है, ए एंड बी की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब इसमें आगे देखो, मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ इसका। सोल्यूशन है मान लो ए इज इक्वल टू 9 इंटू 12, यानी कि जब भी अपन जैसे मान लो डिवाइड हो रहा है जिससे कि, ठीक है, अपना जो डिवाइड होता है उसका और प्लस 8 रिमाइंडर जो बचता है अपन उसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू 9 इंटू 12 प्लस 8, बी इज इक्वल टू लिखते हैं 9 इंटू 12 प्लस 5, यानी कि ए माइनस बी, यानी कि 8 में से 5 माइनस किए तो अपने पास क्या बचा, 3, ठीक है। तो अपना आंसर हुआ 3। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 टू 9। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, अपना अल्फ़ाबेट लिखें ए टू जे 0 टू 9, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 3, इस तरह से लिखा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ ए जी जे माइनस सी ई जी प्लस ई डी बी। अपन इन सारे अल्फ़ाबेट्स की जगह जो डिजिट लेट की है, जो उन्होंने माने हैं 0 टू 9, उनको रखेंगे। ए अपने पास कौन सा था, 0, ठीक है, जी का क्या था, 6, जे क्या था, 9, 0 6 9 माइनस सेम इसी तरह से 2 4 6 प्लस 4 3 1, तो अपने पास टोटल आंसर कितना आया, 2 5 4। अब देखो 2 5 4 कहाँ पर पड़ रहा है, 2 है सी, ठीक है, 5 क्या है, 5 है अपना एफ, ठीक है, 4 क्या है, 4 है अपना ई, तो यहाँ पर अपना जो आंसर आया सी एफ ई, तो ये रहा आंसर अपना, कौन सा रहा, ए, ए अपना आंसर रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 8th, अ वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड बाई 20%। मतलब एक वैसा वायर है जिसको अपन ने स्ट्रेच किया, 6 मीटर लेंथ है उसकी और उसकी रेडियस है ना वो रिड्यूस हो गई 20%, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इट्स इन इट्स लेंथ, तो ऐसी क्या वैल्यू है जो इसकी लेंथ को इंक्रीज करे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखो आपको दिखाते हैं, यहाँ पर मान लो अपन ने क्या किया, लेट किया लेंथ को, लेट द लेंथ ऑफ देन लेंथ ऑफ द वायर इज 6 मीटर, ठीक है, यहाँ पर वायर की लेंथ क्या है, 6 मीटर और उसकी रेडियस क्या है, एक्स मीटर। तो यहाँ पर न्यू रेडियस क्या हो गई, एक्स इंटू 80 बाई 100, ठीक है, 100 माइनस 20, मतलब वहाँ पर 20% दिखाया गया ना, रिड्यूस हुई है, तो बाकी की बची हुई एक सेकेंड देखो, यहाँ पर 20% रिड्यूस हुई है, ठीक है, तो बाकी की लेंथ जो अपनी रेडियस है वो क्या है, 80%, तो उसका क्या है, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यू रेडियस अपने पास क्या आ जाएगी, एक्स इंटू 80 बाई 100, यानी कि 4 बाई 3 एक्स मीटर, ठीक है। फिर आता है नाउ लेट द लेंथ ऑफ वायर, फिर अपन ने क्या किया, दूसरी वायर की लेंथ लेट करी, वो है एच मीटर। फिर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कहा गया, द वॉल्यूम आर सेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर अपन ने वहाँ पर क्या देखा, द वॉल्यूम आर सेम, दोनों की वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, पाई, यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो सेम उस तरह से अपने पास क्या निकल आई, एच की वैल्यू निकल आई, एच की वैल्यू क्या आई, 75/8, हैंस रिक्वायर्ड द परसेंटेज इंक्रीज। अब यहाँ पर क्या है, परसेंटेज निकाली अपन ने, यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए 75/8 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 100, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास टोटल परसेंटेज निकल के आई 5625%, तो अपने पास क्या आंसर रहा, 5625%, ठीक है, तो अपने पास आंसर आया है यहाँ पर बी। अब नेक्स्ट आता है द नंबर ऑफ वेज बाई विच 6 डिस्टिंक्ट वॉल्स कैन बी पुट इन 5 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस आर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आंसर, यहाँ पर देखो ये आता है, यहाँ पर मतलब क्या कहा गया, द नंबर ऑफ वेज बाई विच 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स, मतलब 6 ऐसी गेंदें और 6 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में रखी गई हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पर आ गया अपना जो ये देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 पाई, ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर आ गया 720। अब नेक्स्ट में चलते हैं, फिर आता है एक द सम ट्रिपल्स इन 10 ईयर्स अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सम ट्रिपल्स इन 10 ईयर्स अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली इट इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बिकम 9 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि एक जो सम है ट्रिपल हुआ, ट्रिपल टाइम हुआ है इन 10 ईयर्स में अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट,
यानी कि एक सर्टेन रेट माना गया है उसके अंडर में, अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, एक जो अमाउंट है वो उसका ट्रिपल टाइम हुआ 10 ईयर्स में, यानी टाइम कितना है 10 ईयर्स, ठीक है, एक सर्टेन रेट है जो कि एनुअली यानी कि एक साल, तो द इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मेनी ईयर्स इट वुड बिकम 9 टाइम्स, यानी कि कितने सालों बाद ये 9 टाइम्स होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो आपको बताया, यहाँ पर ये लेट, फिर अपन ने क्या किया, आप देखो फॉर्मूला होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक यहाँ पर अपन ने मेंशन किया लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ पी, तो रेट क्या था अपने, एक सर्टेन रेट था तो उसको अपन ने यहाँ पर लेट किया है आर परसेंट, यानी कि पर एनम, एनुअली बात की गई है, पर एनम आर परसेंट अपन ने रेट लेट किया है, प्रिंसिपल क्या किया है पी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर टी, यानी कि अमाउंट इन 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 साल बाद जब बात की गई है यहाँ पर 10 ईयर्स अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो 10 साल बाद जब बात की गई तो अपन ने उसकी वैल्यूज यहाँ पर रख दी, अपन ने ए इज इक्वल टू पी, यानी कि अमाउंट कितना था अपना इन 10 ईयर्स में, पी 1 + r/100 यानी पावर कितनी थी, टाइम कितना था अपने पास 10 ईयर, फिर अपन ने यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 3 टाइम्स ट्रिपल, तो अपन ने 3p इज इक्वल टू 1 + r/100 इन पावर 10, फिर 10 square root, यहाँ पर फिर अपन ने क्या किया p से p कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 3 को अपन ऊपर ले गए, तो यहाँ पर बचा 1 + r/100, इसको अपन ने लेट कर लिया इक्वेशन 1। फिर आता है नेक्स्ट, फिर अब यहाँ पर पूछा कि 9 टाइम्स कितने सालों बाद होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कि लेट द अमाउंट विल 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन टी ईयर, तो यानी कुछ जो आने वाला समय है ना, उन्होंने पूछा कितने सालों बाद, तो उस टाइम को अपन ने यहाँ पर लेट क्या किया टी, तो सेम उसकी भी वैल्यू अपन ने यहाँ पर रख दी 9p इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर टी, ठीक है। उस सब की वैल्यू जब अपन ने यहाँ पर रखी तो दोनों इक्वेशंस को अपन ने कंपेयर किया तो अपने पास टी क्या निकल गया है, टी निकल गया है 20 ईयर्स, ठीक है। तो 20 सालों बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 टाइम्स, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो गया ए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन अ क्लास इज 12 ईयर्स, ठीक है। एक बॉयज़ की जो एक क्लास है उसमें बच्चों की एज क्या बताएगी, एवरेज एज 12 साल। फिर द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 11 ईयर्स, और उसी में गर्ल्स की जो एवरेज एज क्या मानी गई है 11 साल। देर आर 50% मोर गर्ल्स देन बॉयज़ इन द क्लास, यानी कि उस क्लास में 50% गर्ल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एज ऑफ द क्लास, यानी कि टोटल क्लास की जो एवरेज एज होगी वो क्या होगी, ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं यहाँ पे। मतलब क्वेश्चन आप समझे, क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक क्लास है जिसमें गर्ल्स की जो बॉयज़ की एवरेज एज है वो 12 साल है और गर्ल्स की एवरेज एज है 11 साल, ठीक है, बट उस क्लास में 50% गर्ल्स कंपेयर टू बॉयज़ ज़्यादा हैं, तो यानी कि उन्होंने पूरे क्लास की जो है ना एवरेज एज पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं क्लास में x, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x इंटू 150/100, यानी कि 50% ज़्यादा है, तो अपन ने वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू 150/100, यानी कि अपने पास गर्ल्स निकल के आई 3/2x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया x इंटू 12 + 3, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने किया x इंटू 12 + 3/2x इंटू 11, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई x प्लस 3/2x, यहाँ पर तो अपने को क्या निकल के आया 57/5, यानी कि 11.4 ईयर, ठीक है। अगर आपको समझ भी नहीं आया तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी कर दीजिए, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूँगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर ना अभी हमारे पास जो वीडियो बनाने का वो जो अपना पैड है ना उसमें अपने पाई वगैरह की सही से वैल्यू मैंशन नहीं हो पाती, ठीक है, तो अपन में हम आपको उसको कॉमेंट में या फिर इनबॉक्स कर देंगे, ठीक है। इसके लिए आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर हम आपसे अच्छे से डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ गाइस, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो भी CAPF की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कॉस्ट ऑफ गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट, यहाँ पर कहा गया द कॉस्ट ऑफ गोल्ड, सोने की कीमत वेरी कर रही है डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट, यानी कि उसके क्यूब जो गोल्ड है ना उसका क्यूब अगर निकालते हैं तो उसका जो वेट आता है उससे डायरेक्टली वेरी कर रही है, ठीक है। अ गोल्ड पीस वेइंग 20 decigram का कॉस्ट इज 1000, इफ इट ब्रोकन इनटू 2 pieces हुज वेट्स आर इन द रेशियो 2:3, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है
एसपी और सीपी की, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ 20 डेसीग्राम ऑफ गोल्ड कितना है, 1000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर अपने लेस्ट लेट किया कॉस्ट अल्फा और उसकी जो वेट है उसकी पावर 3, ठीक है। कहाँ गया, ओके। फिर क्या हुआ, कॉस्ट यहाँ पर अपने अल्फा को क्या कांस्टेंट माना, तो के इज इक्वल टू ए, तो कॉस्ट इज इक्वल टू के, उसके वेट की पावर 3, यानी कि 1000 कॉस्ट थी, के 20 वेट था, उसकी पावर 3 करी, तो के इज इक्वल टू 1000/800, यानी कि 1/8। नाउ ऑन ब्रेकिंग 20 डेसीग्राम ऑफ गोल्ड, फिर अपन ने क्या किया, उस 20 डेसीग्राम के गोल्ड को अपन ने ब्रेक किया 2:3 में, तो वेट ऑफ 2, यानी कि दो पीस हुए, तो एक पीस हुआ 8 डेसीग्राम का और एक हुआ 12 डेसीग्राम का, 2:3 में हुआ, ठीक है। दोनों की कॉस्ट क्या हुई, 1/8 × 8³ प्लस 1/8 × 12³। वहाँ पर अपने ऐड कर दिया तो अपने पास कॉस्ट क्या निकल गया, 280 रुपीस। तो अपन हैंस रिक्वायर्ड लॉस कितना हुआ, तो सीपी माइनस एसपी में अपन ने फर्स्ट 1000 में से 280 माइनस किए, तो 720 रुपये अपने पास निकल के आ गया। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हुआ, सी। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 15% ऑफ ए इज डबल ऑफ 30% ऑफ बी, 15% ऑफ ए इज डबल ऑफ 13% ऑफ बी, यानी कि ए का 15% डबल है बी के 30% से, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू बी, ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 15% ऑफ ए इज डबल ऑफ 30% ऑफ बी, यानी कि बी के 30% से 15% ऑफ ए डबल है, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा ए बाई बी का, तो यहाँ पर अपने क्या किया, ए इंटू 15/100 इज इक्वल टू बी इंटू 30/100, और उसका डबल है तो अपन ने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो यहाँ पर अपना सॉल्व होके आ गया आंसर, ठीक है। ए इंटू 15/100, बी इंटू 30/100, और डबल किया अपन ने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 ए इज इक्वल टू 60 बी, यानी कि ए बाई इज इक्वल टू 4:1 रेशियो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया अपने पास, 4:1। अब नेक्स्ट आता है 14th आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स वुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच, मतलब ऐसा कौन सा, इनमें से कौन सा नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, कौन से ग्रेटर नंबर से इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, लेट किए 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स x, x प्लस 2 और x 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, क्योंकि इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स पूछे गए हैं, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट कितना आता है, 48x। फिर अपन ने क्या किया, अब x की जगह अपन ने वैल्यू रखी 1, तो अपने पास आया 48। फिर अपन ने x की जगह वैल्यू रखी 2, तो अपने पास आंसर आया 192 को अपन ने ब्रेक किया, तो 48 × 4, यानी कि अपना जो रिक्वायर्ड नंबर है, हाई जो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा वो रहेगा 48। तो ये अपना आंसर आ गया सी। अब आता है नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम ए कैंडिडेट अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस एंड स्कोर्स 72 मार्क्स, ठीक है। एक कैंडिडेट है, आप हूँ, मैं हूँ, हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और हमने स्कोर किए 72 नंबर, ठीक है। इफ़ 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि सही होने पे 5 मार्क्स मिलेंगे एंड गलत होने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, डिडक्ट किए जाएंगे आपके 2 नंबर, ठीक है। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस करेक्टली, उस कैंडिडेट के द्वारा कितने क्वेश्चन सही करेक्ट किए गए हैं, सही टिक किए गए हैं। यहाँ पर देखो, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर करेक्टली इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर अपने को नहीं पता है, तो अपन ने वहाँ पर लेट कर लिया कि इतने क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए हैं, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितने हो गए, 20 - x। क्यों, क्योंकि टोटल कितने थे अटेम्प्ट उसने किए, इतने किए थे 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, तो 20 - x, यानी कि टोटल 20 में से उसने करेक्ट कर दिया x, यानी 20 - x। अब आता है 5 × x, यानी कि 5 मार्क्स उसको मिलेंगे सही होने पे, तो टोटल सही क्वेश्चन कितने होंगे x, तो उसमें से 5x कर दिया, माइनस 20 - x, अपना जो इनकरेक्ट था उसमें से क्या कर दिया, और गलत होने पर कितने डिडक्ट होंगे 2, तो टोटल आया 72, तो 7x इज इक्वल टू 112, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 16 मार्क्स, 16 क्वेश्चंस, तो उसने टोटल कितने सही क्वेश्चन किए हैं, 16, तो अपना आंसर आ गया सी। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ सी वेव्स इज, यानी कि आपको जब भी आपको बताया गया होगा, आपने 10th और 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब भी क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है, ये होता ना, ऊपर जाता है तो क्रेस्ट, नीचे आता है तो ट्रफ, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपको वेवलेंथ कहलाई जाती है। तो इनका अपना अपना ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर वेवलेंथ यहाँ पर अपना ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हुआ, ए, ठीक है, ए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू CO2 H2O एंड एनर्जी इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज ब्रेक होता है और अपने को क्या देता है, CO2 एंड H2O देता है, अपने पूरे बॉडी में एनर्जी देता है। फिर दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी इन आवर मसल सेल्स, फिर यानी कि ग्लूकोज ब्रेक होता है एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी देता है अपने को मसल सेल्स को। फिर तीसरा ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी इन ऑल एरोबिक टिश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर अपना जो सही आंसर आएगा ना, वो रहेगा ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू CO2 एंड H2O, यानी कि अपनी बॉडी में ग्लूकोज पानी की कमी पूरी करता है और अपनी अपनी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। अपने सारे जो टिश्यूज़ ब्रेक होते हैं, जो भी अपने टिश्यूज़ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि मतलब यहाँ पर हुआ ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अ CO2 H2O एनर्जी इन ऑल एरोबिक टिश्यूज़, ठीक है, परफॉर्मिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, यानी कि अपने मेन चीज़ है कि अपनी बॉडी में जब भी देखो अपने अंदर एनर्जी की कमी आती है, अपने अंदर वाटर की कमी होती है, तब अपन क्या ग्लूकोज इनटेक करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने को ग्लूकोज वाटर और एनर्जी देता है अपने एरोबिक टिश्यूज़ को और परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन को, ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, ठीक है। तो ये था अपना आंसर यहाँ पर सी। फिर नेक्स्ट आता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल एंड ओवरी सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म, ओव्यूल एंड ओवरी, ठीक है, यहाँ पर बात की गई है। देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल और ओवरी क्या होता है, सब्सिक्वेंटली डेवलप होते हैं, ठीक है, सब्सिक्वेंटली डेवलप टू फॉर्म। यहाँ पर अपना ऑप्शन आएगा सीड एंड फ्रूट रिस्पेक्टिवली, यानी ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन आएगा ए। अब आता है इन विच पार्ट ऑफ द सेल द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पिरुवेट, ठीक है, कौन से पार्ट में, कौन सेल के कौन से पार्ट में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पिरुवेट में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है, साइटोप्लाज्म देखो, साइटोप्लाज्म क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। साइटोप्लाज्म भी अपनी बॉडी की एक सेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है विच प्रोड्यूस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ATP, ठीक है, बहुत लिटिल अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस एक क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जो कि साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होती है। तो अपने पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, देखो एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बना के। ये रही अपनी, ऊपर आएगा ऑक्सीजन, ठीक है, इधर अपना जोड़ जाएगा हाइड्रोक्सी ऑक्साइड ट्रोपोलोन, ठीक है। तो ये अपना रहेगा, ये अपना ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक एक्रोमेटिक कंपाउंड इन एन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन और मोर ऑफ द कार्बन एटम्स इन द बैकबोन ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ बीन रिप्लेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन आएगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का यहाँ पर आएगा अपना 35.5, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का वो होता है 17। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास क्या आएगा, 35.5, यानी कि बी, पी ऑप्शन आएगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो यार विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट करेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला है अपना अल्बर्ट आइंस्टीन रिसीव द नोबल प्राइज इन फिजिक्स फॉर एक्सप्लेनिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके सॉरी, ठीक है।
करेक्ट नहीं है, यहाँ पर ये पूछा गया, ध्यान रखना। पहला तो ये था कि बिल्कुल सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने उनको नोबेल प्राइज मिला गया एक्सप्लेनिंग में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, दूसरा आता है फॉर ईच मेटल देर इज़ अ थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच दिस इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व। ओके, ये वाला भी अपना सही है। फिर आता है तीसरा, आता है एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नोड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये भी अपना एकदम सही है। चौथा आता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये अपना गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेंगे तो द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया इज इंक्रीज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स भी पर यूनिट एरिया इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग इमिटेड पर यूनिट टाइम, तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करेंट भी इंक्रीज होगा, तो अपना यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट करेस्पॉन्ड टू द चेंज इन द हीट एट कॉन्स्टेंट। यहाँ पर अपना ऑप्शन आएगा ए, टेम्परेचर। क्यों? लेटेंट हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, ठीक है, बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो विदाउट चेंजिंग इट टेम्परेचर, ये जो है ना एब्जॉर्ब और रिलीज करता है एनर्जी को। लेटेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एट अ ट्रिपल पॉइंट द सब्सटेंस को एग्जिस्ट इन वेपर, ये आएगा अपना लिक्विड फेज, सॉलिड फेज एंड वेपर फेज। ठीक है, सब्सटेंस कोई भी, मतलब तीनों फेजेस में अपना सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। फिर नेक्स्ट आता है ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ, पानी और तेल नहीं मिलता है, कभी मिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे आंसर है डी, सरफेस टेंशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव द सेम लीनियर मोमेंटम। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन क्या है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि प्लेटलेट्स की कई लोग डोनेट वगैरह भी करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इन ह्यूमन बींग्स सर्टेन एनिमल्स दैट क्रॉस द सिनेप्स बिटवीन नर्व सेल्स एंड रिलीज फ्रॉम, इसका आंसर है नर्व एंडिंग ऑफ नर्व सेल, नर्व एंडिंग्स ऑफ नर्व सेल। मतलब यहाँ पर कहा गया इन ह्यूमन सर्टेन केमिकल्स दैट क्रॉस द सिनेप्स बिटवीन नर्व सेल एंड रिलीज फ्रॉम, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ इन ह्यूमन बींग सर्टेन केमिकल्स विच क्रॉस द सिनेप्स बिटवीन टू नर्व सेल्स और न्यूरोन्स आर रिलीज फ्रॉम नर्व्स एंडिंग ऑफ नर्व सेल्स, दीज केमिकल्स आर नोन एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर थ्रू केमिकल सिनेप्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर बात कही गई है कि इन ह्यूमन बींग्स सर्टेन केमिकल्स विच क्रॉस द सिनेप्स बिटवीन टू नर्व सेल्स, ठीक है, न्यूरोन्स आर रिलीज फ्रॉम नर्व्स एंडिंग ऑफ नर्व सेल, दीज केमिकल्स आर नोन एज न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स, ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर थ्रू केमिकल सिनेप्सिस। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन आएगा सी। फिर नेक्स्ट आएगा इन द ह्यूमन बॉडी द हार्मोन विच इज सीक्रेटेड इन टू द ब्लड एंड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट, एड्रेनलिन। आपने कई बार सुना भी होगा कि हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए एड्रेनलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्या अपना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस इज। ठीक है, इसका ऑप्शन है अपना एलिवोली। एलिवोली का मतलब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द गैसियस कहाँ पर एक्सचेंज होती है। देखो, द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज एलिवोली। एलिवोली क्या है? एलिवोली एक टाइन एलिवोली आर टिनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन आर लंग्स। ठीक है, ये अपने लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, वेयर जहाँ पर हमारी O2 और CO2 एक्सचेंज होती है बिटवीन एटमोस्फेरिक एयर और एलिवोली एयर। ठीक है, एंड ब्लड ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज। ठीक है, जो अपनी एलिवोली है वो किससे होती है, किससे बनी होती है? सिंगल
एपिथेलियल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल एपिथेलियम, ठीक है, विच मेक्स डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ईजिली। आर लंग्स हैव अबाउट 480 मिलियन एल्वियोली लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रोकियल ट्यूब्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन आएगा सी। अब नेक्स्ट आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम वुड यू प्लेस एन एनिमल विद अ बिलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी विदाउट अ ट्रू इंटरनल कैविटी। इसका आंसर आपको मिलेगा बी। ओके, प्लेट प्लेटी हेल मिंस, ठीक है। द यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस जो है ना वाटर की, वो क्या कौन रिमूव करता है, वो होता है आयन एक्सचेंज, बी। फिर नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूसेस अ रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोड्यूस अ रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, यानी कि कौन सी ऐसी गैस है जो रेड लाइट प्रोड्यूस करती है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, फ्लो होती है। तो इसका आंसर आएगा डी, इसका आंसर नियॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल इज नॉट ट्रू। अल्कलाइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है। इसका आंसर है डी, रेड कलर ऑफ जेम स्टोन रूबी इज नॉट ड्यू टू द एलिमेंट बेरिलियम प्रेजेंट इन इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्ग्रीडियंट्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट पेंट। इसका अपना ऑप्शन आएगा सी, थियोरिया एक्सलेटर। देखो अपना थियोरिया, देखो थियोरिया के बारे में आपको बताता हूँ। थियोरिया क्या है, पेंट विस, देखो थियोरिया डज नॉट यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट पेंट, ये जो एक ऐसा थियोरिया एक्सलेटर है ये अपना यूज नहीं होता है कहीं पेंट में। तो पिगमेंट थिनर और एंटी स्किनिंग एजेंट ये अपने यूज होते हैं पेंट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, मैग्नीशियम इज यूज्ड इन, मैग्नीशियम किस में यूज होता है, फायरवर्क्स टू मेक अ ब्राइट वाइट लाइट, जेमस्टोन इन ज्वेलरी, एग्जामिनेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द पेशेंट, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो ये कहाँ पर यूज होता है अपना, ये अपना यूज होता है फायरवर्क्स, यानी कि जो फटाके फटाके बनते हैं ना वहाँ पर, जो लाइट वगैरह ब्राइट करने के लिए वहाँ पर यूज होता है। तो इसका ऑप्शन है ए। फिर नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट करेक्ट, फोर्स नेवर अकर्स सिंगल इन नेचर। ठीक है, फोर्स सिंगल नेचर में अकर नहीं होता। व्हेन द अर्थ पुल्स अ स्टोन डाउनवर्ड टू ड्यू टू ग्रेविटी द स्टोन एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन द अर्थ, देयर इज अ कॉज अफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन थर्ड लॉ। तो अपना यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर साइमल्टेनियस अकर, देयर इज नो कॉज अफेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्शन एंड अ रिएक्शन, हेंस अपना ऑप्शन आएगा सी। फिर नेक्स्ट आता है, द रेडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स वर्क ऑन द, कौन सा रेडार यूज करती है पुलिस जब भी कोई गाड़ी हाई स्पीड पर होती है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन आएगा डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट क्या करता है, व्हीकल की जो रिलेटिव स्पीड है उसको मेजर करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट। यहाँ पर कौन सा मोशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन आएगा डी। ओके, द रिलेशन बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिक मोशन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग द मोशन। फिर नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लेमिंग रूल इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपना ए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड।
ओके, तो आपने ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ भी किया होगा। 10th में आपको पढ़ाया भी गया होगा इसके बारे में, 10th 12th में। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स नेवर इंटरसेक्ट। ओके, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट फ्रीलिंग फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट। यहाँ पर अपना ऑप्शन है डी, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द फ्री फॉल। ओके, जब भी कोई आप देखते हो, कभी भी कोई छत जैसे कोई अच्छी ऊंचाई से खड़े होकर आप कुछ फेंकते होगे, तो उसकी जो गिरने की स्पीड होती है ना, उसकी जो स्पीड होती है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो सेम होता है फ्री फॉल में, अगर कोई भी चीज़ आप छोड़ देते हो। ठीक है, तो अपना ऑप्शन है यहाँ पर डी। अब अपना नेक्स्ट आता है तमाइलकम। तमाइलकम वॉज द नेम ऑफ द एंशियंट तमिल कंट्री दैट इंक्लूड्स डी प्रेजेंट डे केरला तेलंगाना एंड कर्नाटका। ठीक है, तमाइलकम एक एंशियंट तमिल कंट्री थी, बट अभी के टाइम में करेंटली प्रेजेंट डे केरला तेलंगाना कर्नाटका में उसको इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंड इन, ये हुई है 1989 में। ओके, द ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुई है 1989 में। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी यात्रा और सॉल्ट मार्च। इट वॉज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स। गांधी जी अलाउड द वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ कमला देवी चट्टोपाध्याय। द मार्च वॉज फुली कवर्ड बाय द वेस्टर्न प्रेस। द मार्च बिगेन आफ्टर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। विच फार्मासा मांडली वॉज फाउंड इन बंगाल बाय स्वामी विवेकानंद। दूसरा प्रार्थना समाज वॉज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र विद द एम ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजियस थॉट एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर जो अपना ऑप्शन है ना बी है, यहाँ पर ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ठीक है, प्रार्थना समाज वॉज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र विद द एम ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजियस थॉट एंड प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि देखो द प्रार्थना समाज जो था ना, वो लीडिंग सोसाइटी था। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म वॉज इस्टेब्लिश ऑन 31 मार्च 1867 इन बॉम्बे बाई आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आत्माराम पांडुरंगा के थ्रू एक ये सोसाइटी थी जिसको लीड किया था। ठीक है, 31 मार्च 1867 में बॉम्बे में। ठीक है, तो इसलिए इसमें कहा गया द मूवमेंट गेंड मूवमेंट आफ्टर स्कॉलर एंड रिफॉर्म महादेव गोविंद रानडे ज्वाइंड इट। ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स वर हिंदूज एंड दे वांटेड टू रिफॉर्म द रिलीजियन फॉर्म विद इन द स्टॉपिंग द प्रिवेंट सोशल इविल लाइक चाइल्ड मैरिज विडो सप्रेशन डाउरी सती अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, एक सोसाइटी बनाई थी, जिसको लीड किया था किसने, आत्माराम पांडुरंगा ने 31 मार्च 1867 को इन बॉम्बे में। ठीक है, परमहंस मांडली वॉज अ सीक्रेट सोशियो रिलीजियस ग्रुप। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1849। ठीक है, पहला ऑप्शन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें देखो, परमहंस मांडली जो थी ना, वो फाउंड कब हुई थी, 1849 में इन बॉम्बे बाई दुर्गाराम मेहता जी। ठीक है, दुर्गाराम मेहता जी के थ्रू फाउंड की गई थी। इसमें दादोबा पांडुरंगा विद देयर फ्रेंड्स दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू मानव धर्म सभा विच वॉज फाउंडेड इन 1844 इन सूरत। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के थ्रू अगर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद द्वारा बंगाल में फाउंड नहीं की गई है, ये जो परमहंस मांडली है वो भी बॉम्बे में फाइंड की गई, किस बॉम्बे में हुई थी और किसके थ्रू, दुर्गाराम मेहता जी और उनके दादोबा पांडुरंगा और दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अपना दूसरा ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हरप्पन स्क्रिप्ट इज नॉट करेक्ट। इसका ऑप्शन आएगा ए, इट हैज़ अबाउट 400 साइंस। यहाँ पर पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट हरप्पन स्क्रिप्ट के हिसाब से सही नहीं है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन है इट हैज़ अबाउट 400 साइंस, मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन अपना गलत है। यहाँ पर कहा गया है इन दिस स्क्रिप्ट हैव नियर अबाउट 417 डिस्टिंक्ट साइंस इन स्पेसिफिक पैटर्न्स, दस ए इज करेक्ट। यानी कि इन दिस स्क्रिप्ट जो है ना,
उसमें कम से कम 417 साइन हुए थे, यानी कि इन द स्क्रिप्ट हैव बीन रिटन इन राइट टू लेफ्ट फैशन, द पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट हैज बीन फाउंड ऑन द बोन रॉड एंड ज्वेलरी, मेलुआ वॉज द एंशियंट नेम गिवन टू द इंडस वैली कल्चर। ठीक है, तो अपना इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809, द ट्रीटी फिक्स द सतलज एज द बाउंड्री बिटवीन पंजाब एंड ब्रिटिश। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट वॉज आफ्टर द ट्रीटी दैट महाराजा रंजीत सिंह वॉज एबल टू अनेक्स जम्मू मुल्तान एंड कश्मीर टू हिज डोमेन्स। तो इसका जो अपना ऑप्शन आएगा ना, इसका ऑप्शन आएगा अपना सी, बोथ वन एंड टू। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में दोनों की बात की गई है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक रीजंस लॉर्ड मिंटो कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद रंजीत सिंह एट अमृतसर इन 1809। फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से लॉर्ड मिंटो ने इन कंक्लूजन क्या निकाला, रंजीत सिंह के साथ अमृतसर में 1809 में थ्रू मेटकल्फ इन ऑर्डर टू चेक द सिख एडवांस बियॉन्ड सतलज। सतलज वॉज फिक्स्ड एज द बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा रंजीत सिंह। द फोर्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह रैन ओवर द कश्मीर वैली 1819 एंड डोगरा जनरल गुलाब सिंह द राजा ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू गुलाब सिंह। ठीक है, तो अपना यहाँ पर ऑप्शन आएगा तो कि बोथ वन एंड टू। अब नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 24 अगस्त 1925। फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन इलेक्ट हुए थे, यहाँ पर जी वी मावलंकर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी। इसको मैंने आप पॉलिटी में मैंने आपको ये बताया भी है स्टार्टिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था कि अपने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर इलेक्ट हुए थे फॉर स्पीकर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो थे जी वी मावलंकर। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिड मराठास एग्री टू सर्व द मुगल। इसको ऑप्शन में टिक कर दिया ना, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया गाइस, इसको ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस अपना, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिड द मराठास एग्री टू द सर्व द मुगल किंग विद अ कैबलरी कॉन्टिंजेंट ऑफ 15,000 इन द अर्ली 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन आएगा ना वो आएगा सी, सॉरी यहाँ पर विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिड द मराठास, यहाँ पर जो अपना ऑप्शन आएगा ना वो आएगा सी। ओके, द राइट टू लेवी चौथ एंड सरदेश मुखी इन द डेक्कन एंड द साउथ इंडिया। ठीक है, इसके पीछे क्या ऑप्शन क्या चीज़ थी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, द राइट टू लेवी चौथ एंड सरदेशी मुखी इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया वॉज द कंडीशन ऑन विच मराठा एग्री टू सर्व द मुगल किंग विद अ कैवलरी कॉन्टिंजेंट ऑफ 15,000 इन अर्ली 18th सेंचुरी। चौथ वॉज 25% इन द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाई जमींदार्स, सरदेश मुखी वॉज 9-10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, तुलसीदास ऑथर किस किताब के थे, तुलसीदास जो थे वो थे, क्या ऑप्शन हैं अपने पास, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि रामचरितमानस और कवितावली। ओके, तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन आएगा आंसर आएगा वो आएगा डी। फिर नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द मुगल किंग इज नॉट करेक्ट। ओके, इसका आंसर आपको मिलेगा सी, नॉट ऑल मुगल एम्परर्स हैव ग्रांट फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुल आई कुल, इट मीन्स एब्सोल्यूट पीस
इट प्रोवाइड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू ऑल रिलीजियंस एंड स्कूल ऑफ थॉट्स। तीसरा है द आइडियल ऑफ सुल आई कुल वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज। इसमें तीनों ही आएंगे। सुल आई कुल मीन्स एब्सोल्यूट पीस, इसमें सबको छूट दी गई, आज़ादी दी गई एक्सप्रेशन अपने रखने के लिए। रिलीजन और स्कूल ऑफ थॉट्स, इसमें तो अपना ऑप्शन आएगा बी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट आता है अपना सौभाग्य, अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इज रिलेटेड टू, ये आएगा ऑप्शन, आंसर आएगा डी, अचीविंग यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द विटला टेम्पल लोकेटेड। ठीक है, तो कौन सी जगह पर विटला टेम्पल लोकेटेड है, इसका आंसर आएगा सी, हम्पी में। नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिंगायत्स, दे बुरी देयर डेड, दे आर ग्रेट बिलीवर्स इन द कास्ट सिस्टम स्पेशली इन द थ्योरी ऑफ द प्योरिटी एंड पोल्यूशन, दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो री मैरिजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव। इसमें से कौन सा सही है, इसमें से आएगा डी ऑप्शन अपने पास, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज और एंड फेवर विडो री मैरिज, विच ऑफ द फॉलो। ठीक है, फर्स्ट आएगा दे बुरी देयर डेड, तो यहाँ पर अपना आप ऑप्शन आएगा फर्स्ट एंड थर्ड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंदारिया महादेव, इसका आंसर आएगा द डी, द टेम्पल एट खाजुराहो। नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द कीर्तार जुनिया, इसका आंसर है बी, भारवी। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कीर्तार जुनिया क्या है, एक संस्कृत एपिक रिटर्न इन 6th सेंचुरी बाय भैरवी, यानी कि कीर्तार जुनिया ना लिखी गई है संस्कृत में बाय भैरवी की थ्रू, जो कि इट इज़ ओनली रिकॉग्नाइज्ड वर्क, यानी कि उसका एक भैरवी, जो भैरवी है उसका खुद का अपना एक काम था, उस उन्होंने लिखा था इसको संस्कृत में, ठीक है, 6th सेंचुरी में। ये एक फेमस स्टोरी है महाभारत के ऊपर, जिसमें कि दो मेन करेक्टर हैं कीर्ता एंड अर्जुना, कीर्ता मतलब शिवा और अर्जुना के ऊपर। ठीक है, द फर्स्ट वेस्टर्न ट्रांसलेशन ऑफ कीर्ता जूनिया वॉज बाई कैरी कैपिलर इनटू जर्मन, पब्लिश्ड बाय द हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज इन 1912। ओके, मेगा वॉज द 7th सेंचुरी पोएट एंड हेल्ड फ्रॉम अ गुजरात, ही वॉज द संस्कृत पोएट एट द कोर्ट ऑफ द किंग परमालता एंड श्रीमाला। ठीक है, तो भारवी ने एक संस्कृत में एक कहानी लिखी थी 6th सेंचुरी में, और ये दो लोगों के ऊपर बेस्ड थी, शिवा एंड अर्जुना। ठीक है, कीर्ता एंड अर्जुना के ऊपर। ठीक है, तो ये था। फिर नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया इज नॉट करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट इन द साउथ इंडिया इज नॉट करेक्ट, इसका आंसर आएगा सी, कराईकल अमैयर वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पहल एन इनिशिएटिव अ ट्रांसफर द सब्सिडी टू डायरेक्ट बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशरीज इज रिलेटेड टू, फार्मर्स फॉर फर्टिलाइजर्स, इंटरनेट कंज्यूमर्स, एलपीजी कंज्यूमर्स। ओके, इसमें शायद ए आएगा, एलपीजी कंज्यूमर, सब्सिडी डायरेक्ट बैंक अकाउंट। ठीक है, पहल में ए, एक सेकंड गाइस। ओके, इसका आंसर आएगा ए, एलपीजी कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द सतवनाज रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडियन एंड द डेक्कन, द सतवनाज रिपेयर्ड द रिबिल्ट सुदर्शना लेक। तो इसमें अपना आंसर है, इसमें आएगा ए, ओनली वन, इन्होंने क्या किया था, रूल किया था पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड द डेक्कन। ए, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिस्क्राइब्ड एज द ड्यूटीज ऑफ वैश्याज अकॉर्डिंग टू द धर्म धर्मशास्त्र,
स्टडिंग द वेदास, इंगेजिंग इन ट्रेड, इसमें आंसर आएगा डी, सॉरी इसमें आंसर आएगा बी, इन्होंने क्या किया, ट्रेड को एंगेज किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द 16 महाजनपदास इन द प्री मौर्यन पीरियड, इसका आंसर आएगा कलिंगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन, स्टिलाइट सील, ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज रेशियो, गोल्ड बैंगल्स, सिल्वर स्पिटून, इसका आंसर है बी, स्टिटाइट सील और ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज रेशियो, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सजेस्टेड द नेम एम्फन टू द साइक्लोन दैट डिवास्टेड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश इन मई 2020, तो इसका आंसर है बी, थाईलैंड। ठीक है, इन्होंने सजेस्ट किया था ये एक नाम एम्फन, ठीक है, जो 2020 में साइक्लोन आया था वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के थ्रू, ठीक है, जो पार्ट था। नेक्स्ट चलते हैं, वट इज़ द मिनिमम रिडक्शन इन प्रोजेक्टेड डिमांड ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी एट द एंड ऑफ 5 years एज पर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटीज, इसका आंसर है सी, 10%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ विंग कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इसका आंसर है सी, लेफ्टिनेंट कर्नल। नेक्स्ट आता है, ऑपरेशन सद्भावना किसने इनिशिएट किया था, ऑपरेशन सद्भावना ये इंडियन आर्मी ने इनिशिएट किया था, इसके पीछे के क्या क्यों इनिशिएट किया था, इसके पीछे का रीज़न है, इसमें क्या बात कही गई, ये इनिशिएट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू कश्मीर में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स रिस्पेक्टिवली, इसके अंदर था प्राइमरी एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, एडल्ट लिटरेसी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन्हेंसमेंट, एग्रीकल्चर आउटपुट, इन सब चीज़ों के पीछे इसमें बात की गई थी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, एडॉप्शन ऑफ विलेजेस फॉर इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन सब चीज़ों की बात की गई सद्भावना में, ये जम्मू कश्मीर में इनिशिएट किया गया है। ठीक है नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप रैंकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ऑफ 74th ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, इसका आएगा सी, स्वीडन। नेक्स्ट आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शिप्स वॉज डिप्लॉयड इन सागर, कौन सी शिप थी जो डिप्लॉय की गई थी, इसका आंसर है ए, INS केसरी। नेक्स्ट आता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है सी, 11th of May को। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द फेड कप हार्ट अवार्ड 2020, इसमें आएगा ए, सानिया मिर्जा। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राजेंद्र प्रसाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्पीकर लोकसभा इज आर करेक्ट, इसमें बात की गई है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है स्पीकर लोकसभा को लेकर। पहला ऑप्शन है द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरा, द स्पीकर ऑन एज्यूमिंग हिज ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द सब्सक्राइब ऑफ ओथ और अफर्मेशन, द स्पीकर डज नॉट एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ द वोट्स। और यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ना ए, सेकेंड ओनली, द स्पीकर ऑन एज्यूमिंग हिज ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एंड सब्सक्राइब ओथ और अफर्मेशन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक अकाउंट कमिटी इज करेक्ट, इसका आंसर है
ए इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। 7 मेंबर राज्यसभा से लिए जाएंगे और लोकसभा से 15 मेंबर लिए जाएंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी में, ठीक है। अ मेंबर गिविंग नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर लोकसभा शुड बी एड्रेस टू द, ठीक है। अगर लोकसभा स्पीकर को रिमूव किया जाता है तो वो किसको, मतलब कौन सा रिजोल्यूशन लेकर आएगा, मतलब कौन सा नोटिस आएगा, तो उसका आंसर आएगा बी, सेक्रेटरी जनरल और लोकसभा को वो एड्रेस करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव कॉमन बाउंड्री विद साउथ अफ्रीका। इसका आंसर है जाम्बिया। नेक्स्ट आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। इसमें आएगा डी, रायपुर। ये रायपुर कहाँ पर है, ये रायपुर है बेंगलोर साइड। देखो सबसे पहले आता है यहाँ पर रायपुर में सबसे मैक्सिमम रेनफॉल होती है, ठीक है, यानी कि अबाउट 1489 मिलीमीटर तक आता है एनुअली रेनफॉल, विच इज़ मोर देन द एनुअल रेनफॉल। अब हैदराबाद में आएगा 136 मिनिमम, बेंगलुरु में आएगा 970 मिलीमीटर एंड दिल्ली में आएगा 617, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अकॉर्डिंग टू कोप्पन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय CWG क्लाइमेट, यानी कि द कोप्पन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग द वर्ल्ड्स क्लाइमेट विच वॉज क्रिएटेड बाय द व्लाडिमीर कोप्पन अ जर्मन वोटनिस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने किया था। नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिवर कावेरी हैज वेल डेवलप्ड वैली। दूसरा आता है वैली ऑफ रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग। रिवर कृष्णा इज लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एवर इज आर करेक्ट। तो इसका आंसर है बी, रिवर कावेरी हैज वेल डेवलप्ड वैली एंड वैली ऑफ रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। महोगनी इज अ टिम्बर स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। छप्रपाल वेजिटेशन इज फाउंड इन ताइगा क्लाइमेट। लाइचेंस आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन टूंड्रा रीजन। इसका आंसर आएगा बी, छप्रपाल वेजिटेशन इज फाउंड इन ताइगा क्लाइमेट। नेक्स्ट, विद रिगार्ड टू पैनल ऑफ चेयरपर्सन लोकसभा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। सी आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स एंड वन ऑफ देम प्रिसाइड्स ओवर द हाउस व्हेन बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर नॉट देयर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना आपका वो आएगा डी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है। इसमें क्या बात कहेगी, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर सीज टू बी मेंबर्स ऑफ लोक ऑफ द हाउस एंड थर्ड आएगा द ओनली डिप्टी स्पीकर वैकेट्स हिज ऑफिस एंड स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर हिज फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर डिसोल्यूशन। नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू द डेलिमेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सब्जेक्ट टू आर्टिकल 333 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मे हैव। पहला ऑप्शन है 450, दूसरा ऑप्शन है 500, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 550 एंड फोर्थ ऑप्शन है 600। तो यहाँ पर ऑप्शन है बी, 500। अकॉर्डिंग टू द डेलिमिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 333 द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60।
members chosen by direct election and territorial constituencies in the state. 500 से ज़्यादा नहीं और 60 से कम मेंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अपना ऑप्शन आएगा बी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना ट्रांजिशन जोन ऑफ वेरिड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग द बाउंड्री बिटवीन टू एडजस्टेंट एंड डिफरिंग प्लांट कम्युनिटीज इज नोन एज. इसका ऑप्शन आएगा बी, इकोटोन. एंड इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन ऑफ वेरिड नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग द बाउंड्री बिटवीन टू एडजस्टेंट. ओके, नेक्स्ट आता है, इसका ऑप्शन है इकोटोन. इसको अपन टिक कर देते हैं. द कार्टिगेना प्रोटोकॉल टू विच इंडिया इज अ पार्टी इज रिलेटेड टू. इसमें ऑप्शन आएगा बी, बायोसेफ्टी निगोशिएटेड अंडर द एजिस ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. नेक्स्ट आता है विच, मैच करना है इसको मिल्पा, ठीक है? इसमें देखो, देखते हैं इसका जो अपना आंसर है ना, वो है इसका आंसर ए. मिल्पा का आएगा मैक्सिको, लदांग का आएगा मलेशिया, रोको का आएगा ब्राज़ील और मसोल का आएगा ज़ायरा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज आर करेक्ट. प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस विच आर ऑफ टेम्परेरी ड्यूरेशन. एंड ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट विद इन सिक्स वीक्स ऑफ इट्स री असेंबली. इसका आएगा सी, बोथ वन एंड टू. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पासिंग अ लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट इवन इन द स्फेयर स्टेट लिस्ट एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड. इसका ऑप्शन आएगा अपना 90 का. सी, फर्स्ट एंड थर्ड. फिर आता है नेक्स्ट, एज पर प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. इसका आंसर आएगा बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्क्रुएंट लिस्ट, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं. इन रिलेशन टू द पावर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इसका आंसर आएगा ए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडरटेक लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ अ टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया बाय एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ दैट टेरिटरी. नेक्स्ट चलते हैं, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विट्ठल टेम्पल लोकेटेड. ये मैंने आपको बताया था हम्पी में लोकेटेड है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन रिलेशन टू पंचायत. इसका आंसर आएगा अपना सी, सेकंड एंड थर्ड. स्टेट में डिवॉल्व पावर्स टू पंचायत इन प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. थर्ड, स्टेट में डेवलप पावर टू पंचायत इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है? तो इसका ऑप्शन आएगा सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर अटॉर्नी जनरल इंडिया इज नॉट करेक्ट. इसका ऑप्शन है, इसका आंसर अपना सी, ही और शी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब ये ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं कोई और जॉब करते हुए, कोई और पोस्ट संभालते हुए. द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर्स दैट इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल्स इक्वल ऑफ ट्रीटमेंट वी ट्रांसेंडेड टू रिकोगनाइज स्पेशल नीड्स. इसका आंसर अपना आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों ऑप्शन आएंगे इसके अंदर, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. अ फ्यूचर ऑफ मनी बिल, मनी बिल का कौन सा ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट नहीं है. इसके अंदर आएगा आपका डी,
इट कैन बी रिफर्ड टू अ ज्वाइंट कमिटी ऑफ द टू हाउसेस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेंसर मोशन, इसका इसका आंसर आएगा ए, अ लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। ठीक है, अ लीव ऑफ हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव सेंसर मोशन, इसका मतलब हुआ कि सेंसर मोशन मस्ट बी स्पेसिफिक एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटिंग द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन। इट कैन बी मूव ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। इट इज मूव्ड बाय अपोजिशन अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और अगेंस्ट अ मिनिस्टर ऑफ अगेंस्ट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अ सेंसर मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और हार्श क्रिटिसिज्म। ओके, सिंगापुर इज नोन एज अ पोर्ट ऑफ कॉल बिकॉज इट इज ऑन मेन सी रूट वेयर शिप्स यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्ट लैंडफॉर्म इज द लार्जेस्ट इन साइज, कास्ट लैंडफॉर्म, ये क्या है कास्ट लैंडफॉर्म? देखो कास्ट लैंडफॉर्म क्या है, कास्ट लैंडफॉर्म ये है, इसमें आएगा पहला ऑप्शन आएगा पोल जे। पोल जे इज लार्जेस्ट कास्ट लैंडफॉर्म। कास्ट टोपोग्राफी इज द लैंडस्केप फॉर्म फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल रॉक्स सच एज लाइम स्टोन, डोलामाइट एंड जिप्सम। सोयलो होल इज वेन स्टीम ऑफ ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर डिसअपीयर इन द होल। ठीक है, तो ये था पोजलो क्या है, लार्जेस्ट कास्ट लैंडफॉर्म है जो कि टोपोग्राफी लैंडस्केप फॉर्म्ड फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल रॉक्स। ठीक है, सोल्यूबल रॉक्स का डिसोल्यूशन फॉर्म बनाता है जैसे कि जिप्सम एंड डोलोमाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिटेरियन कंट्री, मेडिटेरियन कंट्री कौन सा नहीं है, आएगा सी नॉर्थ सूडान। ठीक है, नॉर्थ सूडान इज नॉट अ मेडिटेरियन कंट्री, इट इंक्लूड्स मोरक्को, अल्गेरिया, तुनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, इजराइल, लेबनान, साइप्रस, सीरिया, तुर्की, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया एंड हर्जगोविना, क्रोटिया, स्लोवेनिया, इटली, फ्रांस एंड स्पेन। तो ये कुछ कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये भी मेडिटेरियन कंट्री में नहीं आते, यानी कि नॉर्थ सूडान। ठीक है, इसमें ये सारे आते हैं। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स इन रिसेंट ईयर्स टू डिट्रियशन ऑफ असेट क्वालिटी ऑफ कमर्शियल बैंक बाई वे ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसका आंसर आएगा बी सेकेंड एंड थर्ड, एग्री इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोबाइल फोन ऑपरेटर मार्केट इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली और ओलिगोपोली, ओलिगोपोली आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोली जो होती है, मोनोपोली में ये होता है कि एक ही कोई ऐसा इंसान हो उस पूरे बिजनेस मार्केट में जो कि सिर्फ वही उस काम को कर रहा हो और उसी के द्वारा ही पूरे देश में चीज़ें चल रही हों, कोई भी चीज़ आती है। ठीक है, तो वो एक मोनोपोली चलाता है। ओलिगोपोली में क्या आता है कि इट कंसिस्ट सिलेक्ट फ्यू कंपनीज दैट एग्जर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अ मार्केट और सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल्स फॉर वीट एंड राइस बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सीएसीपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सपोर्ट प्राइस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ। ठीक है, तो इसमें एडम स्मिथ में ऑप्शन आएगा बी मार्केट प्राइस मैकेनिज्म। फिर नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इज करेंटली यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करता है क्या, वो आएगा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज द एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर यूज्ड बाय यूएनडीपी टू कंस्ट्रक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि मेजर करता है कंट्री के ओवरऑल अचीवमेंट को आइदर सोशली और इकोनॉमिकली डायमेंशंस के बेस पर और हेल्थ ऑफ पीपल के बेस पर। देयर लेवल ऑफ एजुकेशन
अटेनमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंडिया रैंक्ड 131 अमंग 189 कंट्रीज ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2019। ओके, तो नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज रिकोगनाइज एज मिनी रत्नास। CPSPU इज रिकोगनाइज एज मिनी रत्नास। तो इसका आंसर आएगा ए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मैं इसमें अपने को मैच करना है। ठीक है, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी है, इसमें अपना जो आंसर आएगा ना वो आएगा ए, ए यानी कि ए का फोर, यानी कि प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी का ऑप्शन आएगा कैपेसिटी ऑफ ग्रुप्स टू इंश्योर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिवनेस कोड। ठीक है, फिर आएगा नेक्स्ट पीपल्स डेमोक्रेसी, इसका आएगा सोशल इक्वलिटी थ्रू कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ। फिर आएगा डेवलपमेंट डेमोक्रेसी, इसका आएगा हाईएस्ट एंड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज। नेक्स्ट आएगा एलिटिस्ट डेमोक्रेसी, पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज बाय अ प्रिविलेज्ड फ्यू। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सोशलिज्म, कौन सा ऐसा ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर है सी, सोशलिज्म। सोशलिस्ट बिलीव दैट क्लास डिविजन्स इन सोसाइटी आर अ फैक्ट एंड देयरफॉर इरिमेडिएबल, यानी कि सोशलिज्म एनालिसिस सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इट एम्फसाइज द सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी, इट बिलीव दैट मटेरियल बेनिफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड। द सेंट्रल कॉन्सेप्ट सोशलिज्म इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग एज सोशल बींग्स यूनाइटेड विद देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। ठीक है, सोशलिस्ट आर दोज हु सीक टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी ऑफ कॉमन ओनरशिप, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोडक्शन फॉर यूज नॉट प्रॉफिट। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट आता है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे एक्सरसाइज डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स देन, तो इसका आंसर आएगा ए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या था, ही और शी इज नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर हिम और हर टू एक्ट इन हिज हर डिस्क्रिमिनेशन इन सर्टेन मैटर्स, ही और शी इज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है इन रिलेशन टू फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्रिंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा डी, दे मे नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ फूड ग्रेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन 1966 टू 1972, तो इसका आंसर आएगा पंजाब एंड हरियाणा, यानी कि डी ऑप्शन आएगा, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर इंक्लूडेड टू एस्टिमेट फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो इसमें आएगा पैडी। ठीक है, पैडी आएगा, शुगर आएगा, फर्स्ट और वीट आएगा, तो इसका आंसर आएगा डी। कुमार यूज टू ईट 30 समोसाज इन अ मंथ व्हेन द प्राइस ऑफ ईच समोसा वॉज ₹12। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ समोसा इंक्रीज टू ₹15 पर प्राइस पर पीस, ही ईट्स ओनली 20 समोसा इन अ मंथ, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर समोसा बाय कुमार। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी इज द रेशियो बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड एंड द करस्पॉन्डिंग परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड और सर्विसेज डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो इसका ऑप्शन आएगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर, फोर्थ सर्वे 2017 टू 2018 इज आर करेक्ट, तो इसका आंसर है बी, फर्स्ट एंड सेकेंड।
कंस्ट्रक्शन सेक्टर गेव एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 1/10 ऑफ अर्बन मेल वर्कफोर्स इन इंडिया। सेकेंड आएगा नियरली 1/4 ऑफ अर्बन फीमेल वर्कर्स इन इंडिया वर वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेक्स्ट आता है सेंसिस हैज डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया इनटू 4 मेजर कैटेगरीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इसका आंसर है बी, डोमेस्टिक वर्कर्स। डार्डिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, विच लैंग्वेज फैमिली डार्डिक ग्रुप, तो इसमें आएगा इंडो यूरोपियन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अरेसिया ट्री इज आर। इसका आंसर आएगा डी। इट हैज़ अ लॉन्ग शैलो रूट सिस्टम विच इनेबल्स इट टू फाइंड मॉइस्चर। इट हैज़ थॉर्नी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। इट हैज़ वाइड क्राउन सो द फॉलेज कैन एब्जॉर्ब द मैक्सिमम सनलाइट। ओके, नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट इलस्ट्रेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ। तो इसका आंसर आएगा डी, दे प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम अर्थक्वेक। फिर नेक्स्ट आता है अ लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड एंड और शिंगल विद वन एंड अटैच्ड टू द मेनलैंड इज कॉल्ड टोम्बलो। नेचुरल पॉपुलेशन चेंजेस इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम द बर्थ रेट। ओके, नेक्स्ट था गाइस अपना व्हाट इज मीन्ट बाय एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? एमएसएमई की फुल फॉर्म है एमएसएमई स्टैंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर आएगा बी, कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड बट इन डिफरेंट रोज इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। इसका आंसर है बी, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट नेचुरल अकरिंग। नेचुरल अकरिंग में कौन सा है क्रॉप? इसका आंसर आएगा डी, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट इज नॉट अ नेचुरल अकरिंग सिलिकेट बॉक्साइट ओर इज द वर्ल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बॉक्साइट प्राइमरी सोर्स है एल्यूमिनियम का। ठीक है, सो दैट्स इट, अपना इस वीडियो में यही था, अपन ने पहला पेपर कंप्लीट किया। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उस क्वेश्चन को उसको एक्सप्लेन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो अपना पेपर टू है उसका भी आपको उसको भी अपन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से अपन आर्ग्यूमेंट्स प्रिसाइज राइटिंग ये सारी चीज़ें लिखेंगे, वो सारी चीज़ों को अपन कल डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।